गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 9th चैप्टर लैंड. योर बुक इज यू बुक ओपन. पेज नंबर 71. हमारे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे 70 लैंड यानी जमीन. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सैट फॉर वॉचिंग टीवी. वो मगन भाई यहाँ पे एक स्टोरी बताएंगे. तो वहाँ वो क्या कर रहे हैं, खाना खाने के बाद, रात का डिनर लेने के बाद वो टीवी देखते बैठे. द बेबी झील केम रनिंग टू हिम. छोटी बच्ची है झील नाम की, वो उनके पास आती है. सी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. वो क्या बोलती है, ग्रैंडफादर मुझे स्टोरी सुना बताओ. Which story do you want to listen? उसके grandfather ask. Grandfather उसे पूछते कि कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेगी. The one which I enjoy the most. वही जो मुझे बहुत आनंद देती है, झील से. Okay, said the grandfather and began the story. Says grandfather ने okay बोला और स्टोरी उन्होंने चालू करी. There was a small village. वहाँ पे एक छोटा गांव था. A potter ने मगन भाई stayed here. Potter यानी कौन, तो कुम्हार है ना. Potter जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना कुम्हार, उसे क्या बोलते हैं, potter. एक potter वहाँ पे रहता था. उसका नाम क्या था, मगन भाई. स्टेड ही है, वहां पे रहता था. एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर स्पॉट. वो क्या लेक से मिट्टी लेके आता था और वो क्या बनाता था, पॉट्स बनाता था, बाउल्स इटीसी, वो इतना एक्सेट्रा वो सब बनाता था. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट. उसने एक छोटा सा पॉट बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल. उसने उसको अच्छा कलरफुल करा, पेंट करा उसके ऊपर. द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. नाउ कैसा दिख रहा था, बहुत सुंदर वो दिख रहा था. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल. उसने क्या करा, वो बर्तन को उसके शॉप में रख दिया बेचने के लिए. द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. उसके दुकान के पास से रमेश भाई जा रहे थे. ही सॉ द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज इट. उसने वो बर्तन को देखा और तुरंत उसने इमीडिएटली यानी तुरंत उसने खरीद लिया, परचेस यानी खरीदा. हिज डॉटर बिंदिया बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट. उसकी जो छोटी डॉटर थी, छोटी बच्ची बिंदिया, उसने वो देख के बहुत खुश हो गई. वो छोटा बर्तन इन रमेश भाई हैंड, उसके हाथ में देख के बहुत खुश हो गई. सी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन हिज दिस स्मॉल पॉट. बोले वो क्या बोले, पापा मैं ये स्मॉल पॉट में मैं पानी भरूंगी. ओके सेड रमेश भाई ने ओके बोला. नाउ एवरी डे विद्या फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. वो क्या करती थी, रोज बिंदिया उसमें पानी भरती थी, नाउ एवरी डे विद्या फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड्स. एक दिन क्या हुआ, वो पॉट उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस. और वो गिर गया, वो क्या था, मिट्टी का बर्तन था, तो गिर के नीचे गिरा तो उसके वो कैसा टूट गया, ब्रोकन यानी टूट जाना, और फिर उसके स्मॉल पीस हो गए. हार्ट ब्रोकन बिंदिया, उसका भी दिल टूट गया. वो कलेक्टेड दिस डस्ट पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हार्ट बिहाइंड द हाउस. उसने वो सब पीस टूटा था कलेक्ट करे और फिर बाहर जाके डाल के. द ग्रैंड फादर आस्क्ड नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपन टू दोस पीसेस. अब उसके ग्रैंड फादर बोले कि मुझे बता कि इस अब ये सब छोटे छोटे पीस है उसका क्या होगा. सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज देम फॉर प्लेइंग गेम्स. अब मेरे जैसी कुछ लड़कियां है ना, वो ऐसे खेलती है, लंगड़ी खेलती है तो उसमें वो ऐसे डालते हैं, फिर पाँव से उसको सरकाते हैं, तो मेरे और छोटे छोटे टुकड़े उसके. बोले मेरी जैसी लड़कियां उसको खेलने में यूज करेगी. रिप्लाइड झील. झील ने बोला यू आर करेक्ट, दिस पीसेस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल. अब ये पीस का क्या होगा, ये पीसे उसमें
हियरिंग दिस कंफ्यूज झील आज। अब वो झील ने ये सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई और उसे पूछा व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्स इन द सॉइल, और दूसरी क्या चीजें सॉइल में मिलती है, सॉइल यानी मिट्टी। अब यहाँ पे एक्टिविटी बताई हुई है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, व्हाट डू यू वी यूज स्पेड, स्पेड यानी क्या, वो जो मिट्टी को खोदते हैं ना हम, उसको मिट्टी से, मिट्टी को जिससे उसे स्पेड बोलते हैं। सीव यानी वो चालनी, और सीविंग वीट, सीविंग वीट यानी वो गहू जो चाल उसमें हम छानते हैं ना वो गहू की। फिर सीव फॉर सीविंग वीट फ्लोर, फिर से जो फ्लोर हम गहू का आटा जो छानते हैं वो। फिर दिस कॉटन फ्लोर, थीन कॉटन फ्लोर पतला कॉटन का कपड़ा, और हम लंग्स ऑफ सॉइल, सॉइल के जो बड़े बड़े होते हैं ना सॉइल के मट्टी के ऐसे टुकड़े, वो सॉइल के लंग्स होना। What do you to do? Take one lumps of soil. एक lumps लेना है soil का, turn it into small particle size. इसको बाहर यानी उसको छोटे छोटे पार्ट में करना है। Sieve it through the wheat sieving sieve. अब जो बहुत जो छानते हैं ना उससे जो चलनी उससे उसे छानना है। और फिर what is the left in the sieve? अब उसमें देखना है हमें चालनी में क्या बचा है। Observe it and note. Keep the component left in the sieve separately. अब उसमें क्या बचेगा, तो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लंग्स के उसके ऊपर आएंगे। और व्हाट इज सीव आउट ऑफ सीव, तो वहां पे जो स्लिट है वो उसमें पाउडर वहां नीचे आएगा। फिर एक्टिविटी टू में देखो, ये हमारा जो है ना ये हमें आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा जो आंसर। अभी हम खाली समझते एक्टिविटी, कलेक्ट द सीव पार्ट एंड सीव इट विद द सीव यूज फॉर सीविंग फ्लोर। What is left? अभी जो बचा था ना जो सीव के ऊपर वो उसे और लेना है, और अभी वो उससे किसे किससे छानना है, जो व्हीट फ्लोर को हम छानते हैं उससे करना है। तो उसके ऊपर भी क्या होगा, तो what is the left in the sieve? Observe. फिर keep component left in the sieve separately. फिर अभी दूसरे टाइम फिर यहाँ पे हमें लिखना है कि what is the left in the sieve? Sieve में क्या बचता है, फिर उसमें थोड़े 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 छोटे पार्टिकल जो पहले बड़े थे उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें बचेंगे, और थोड़ा पाउडर जैसा हमें मिट्टी का उसमें नीचे आउट ऑफ सीव के नीचे मिलेगा। फिर थर्ड टाइम पे हमने क्या लिया, कॉटन का थिन कॉटन क्लोथ लिया। फिर कलेक्ट द सेकंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू द कॉटन पीस, कॉटन पीस से फिर जो बचा था अभी जो हमने व्हीट की फ्लोर ली थी, तो व्हीट फ्लोर की जो सीव ली थी उसके ऊपर जो छोटा छोटा बचा था वो हमने फिर हम कपड़े से थीन कॉटन क्लोथ से उसको और छाना, तो उससे क्या मिला हमें एकदम फाइन पाउडर मिला। यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट इज द लेफ्ट ऑन द क्लोथ, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर्ड कंपोनेंट्स एंड नोट, सेपरेट द कंपोनेंट लेफ्ट इन द क्लोथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लोथ। व्हाट इज द लेफ्ट इन द क्लोथ, क्लोथ में क्या बचा, तो जो छोटे छोटे बारीक जने थोड़े बहुत कम छोटे, पहले सबसे बड़े थे फिर थोड़े छोटे कम, फिर उसे एकदम छोटे छोटे वहां पे हमें कॉटन क्लोथ पे मिले। और फिर व्हाट इज फिल्टर्ड आउट ऑफ द क्लोथ, आउट ऑफ द क्लोथ फाइन पाउडर, सॉइल का फाइन पाउडर हमें मिला। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द फिल्टर्ड एंड लेफ्ट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइम, थिंक एंड से विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम सीविंग द सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज, हमें ये बताना। फिर कैन देयर बी एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो उसके अंदर अदर कंपोनेंट्स होते हैं ना, कुछ का छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं है ना, तो ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। हाउ डू द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्ट द टाइप ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे एक फोर एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करना है, एक व्हाट टू डू वी नीड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, एक प्लास्टिक बैग ली है, ऐसे प्लास्टिक बैग ली है नजदीक के खेत से, ऐसे थोड़े लम्स लेके मट्टी के जो वो होते ना ऐसे गट्ठे वो उसको लेके आने का। फिर उसमें क्या करना, फ्रॉम वन फीट डेप्थ बाय डिगिंग विद स्पेड, स्पेड से हम खोदेंगे ना, डिगिंग यानी खोदना, उसे खोदेंगे तो वो मिलेंगे हमें।
फिर वो लेके आना है, फिर कीप वन टू लम्स ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है ना उसके अंदर ही ऐसे लम्स उसके पट्टी के रख देंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ से ऐसा टाइट धागे से यहाँ से बांधना है उसे। तो बैग एंड इट्स माउथ विथ थ्रेड, टाई एंड बैग प्लास्टिक बैग एंड टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड, उसका उसका जो माउथ है वो थ्रेड से बांधना है उसे। फिर नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम, अब इसे कहाँ रखना है, इसे सनलाइट में रखना है, सूर्य प्रकाश में उसे रखना है थोड़े देर के लिए। आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इन टू द क्लास एंड ऑब्जर्व, उसे हम लेके आएंगे अंदर और देखेंगे तो क्या है उसके, व्हाट टू ऑब्जर्व द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, क्या है उसके ऊपर, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसमें ऐसे स्टीम जैसा बबल जैसा, यहाँ पे ये जो आउटर लेयर होती है ना उसकी, उसपे क्या होता है थोड़ा पानी के जैसा ऐसे बाप जैसा आ जाता है। What do you observe? हम क्या उसे, तो हम हमें क्या पता चलता है इससे कि इसके अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर मॉइस्चर यानी पानी का भी उसमें होता है। Take a transparent glass, fill it water, activify. Now that lumps and soil in the glass, observe what happens. अब यहाँ पे ग्लास लिया है, ये ग्लास है वाटर का, बराबर इसमें पानी लिया है। अब इसमें हम पानी का और मिट्टी का एक लम्स इसमें डाल दे तो इसमें से क्या उठेंगे, बबल्स निकलते, यानी हमें क्या पता चलता है इसमें क्या है, एयर है, इसके लम्स के अंदर क्या है, एयर है, इसमें हमें पता चलता है कि लम्स के अंदर क्या है, वाटर है ना। तो यहाँ पे हमें यहाँ इस तरह से हमें एक्टिविटी करना है। तो ये पानी का हम घर पे भी कर सकते हैं ना, एक मिट्टी का एक पानी का ग्लास लो और एक मिट्टी का कहीं से ऐसा टुकड़ा, यहाँ पे हम देखेंगे फिर कि हमने देखा कि वो जो हमने प्लास्टिक बैग फिर पानी में ग्लास ग्लास के जो देखा कि उसमें मट्टी का हमने जो टुकड़ा डाला उसमें से क्या निकलते, बबल्स निकलते। फिर यहाँ पे विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल, सॉइल में कौन से ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉइल में हमें कौन से ऑर्गेनिज्म, विच कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल में, तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन्स डिफरेंट है ना, स्टोन्स है, फिर कैसे है सैंड के उसमें मिलते हैं, सिल्ट मिलती है ना, तो ऐसे कंपोनेंट्स हमें वहां पे मिलते हैं उसके अंदर सॉइल के अंदर। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स आर फाउंड इन द सॉइल, माइक्रो जो 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 हमारी आंखों से हमें दिखते भी नहीं है ऐसे हमें वो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ये बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हमें देखो ये बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक में क्या क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर एक्सेट्रा ऑफ एनिमल्स ऑफ एनिमल्स, लीव्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, बर्ड फीडर्स, ये हमें बायोटिक कंपोनेंट्स में हमें मिलते हैं। फिर अबायोटिक यानी जो, तो इसमें क्या है, स्टोन, जो नॉन लिविंग रहते लिविंग, ये पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोटिक में और नॉन बायोटिक में सैंड स्टोन्स क्ले सैंड फिर स्टोन्स एंड क्ले
ऑर्गेनिज्म, ये किसमें आते हैं? मॉड, सील, ये सब हमें अबायोटिक में मिलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि लैंड में जो सॉइल है, सॉइल में कितने, तो थ्री टाइप्स के टाइप्स ऑफ सॉइल। Types of soil है ना, तो एक होती है सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो उसके पार्ट होते हैं ना वो सब ऐसे दानेदार उसमें ऐसे, यानी हम हाथ को छूते हैं तो हमें ऐसा, और उसमें पानी की पकड़ने की क्षमता भी उसमें कम होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। फिर क्ले सॉइल, क्ले में कैसा होता है, एकदम सॉइल, तो इसमें एकदम पानी पकड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। तो ये दो, और एक होती है एल्यूवियल, और तीसरी होती है एल्यूवियल सॉइल। तो ये तीन प्रकार की सॉइल होती है। तो यहां पे हमें सॉइल के टाइप्स कितने टाइप्स है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। तो यहां पे हमें क्या देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है। सर्कल द करेक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे करना है हमें इंफॉर्मेशन, वेराइटीज ऑफ कलर ऑफ सॉइल, रेड, ब्राउन, ब्लैक, है ना। रिवर की कैसा होता है, रेड होती है, ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। रिवर साइड कौन सी होती है, तो ब्राउन कलर की होती है। फिर रेड, ब्राउन, ब्लैक लेक में, यहाँ पे हमें ये यहाँ पे ऐसे उसमें सर्कल करना है। फिर फील्ड की कैसी होती है, एकदम ब्लैक होती है फील्ड में। फिर स्लोपिंग फील्ड, तो इस तरह से हमें क्या करना है, उसके अंदर उसमें हमें उसमें सर्कल करना है। अभी टाइप्स ऑफ सॉइल का हमने देखा कि तो सैंडी सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड। सैंडी सॉइल में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल हैविंग सैंड, सैंड जो रेत रहती है ना उसका प्रमाण ज्यादा होता है, इज नोन एज सैंडी सॉइल, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल। द पार्टिकल्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजिली, उसे आप इजिली सेपरेट कर सकते हैं। द सॉइल ड्राई सून आफ्टर द रेन, बारिश होने के बाद वो जल्दी से सूख भी जाती है, ऐसी जमीन जो होती है सैंडी सॉइल, तो वो जमीन जल्दी सूख जाती है। फिर क्ले सॉइल, तो सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स, उसमें क्ले सॉइल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ यानी चिकनी मट्टी ऐसी जैसी क्ले सॉइल होता है उसमें क्ले पार्टिकल्स, बराबर, नोन एज क्ले सॉइल। ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम स्टिकी, बारिश होने के बाद कैसे ऐसी चिकनी हो जाती है वो जमीन, एंड स्लिपरी, उसमें से हम फिसल भी सकते हैं। इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम्स वेरी हार्ड, ड्राई सीजन में कैसी हो जाती है वो, एकदम हार्ड हो जाती है मिट्टी, एंड क्रैक्स आर डेवलप, और उसके ऊपर कैसी हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। फिर एल्यूवियल सॉइल, तो इधर सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि ये जो रहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, तो वो उसमें क्या होते हैं, मट्टी का, उसमें अलग 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 प्रकार के तत्व उसके अंदर होते हैं, इज नोन एज एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इज फर्टाइल, वो कैसी होती है, जो अनाज हम जो उगाते हैं ना उसमें क्या होते हैं, वो उपजाऊ जमीन के उसे बोलते हैं।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अभी हमें यहाँ पे रीड एंड राइट, हमने कितनी प्रकार की सॉइल देखी, तो हमने कितने प्रकार की सॉइल देखी, थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट्स रेन, तो कौन सी सॉइल में हमें पानी दिखता नहीं, तो सैंडी सॉइल। विच टाइप ऑफ द सैंडी सॉइल इन सैंडी सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम सिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट्स रेन, तो कौन सी, तो क्ले सॉइल। द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स है ना, ड्यूरिंग रेन दिस सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल, तो एल्यूवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल, फर्टाइल उपजाऊ जमीन से बोलते हैं। अब यहाँ पे व्हाट डू वी नीड, यहाँ पे देखो थ्री ट्रांसपेरेंट बॉटल्स दिए, फिर थ्री प्लास्टिक और ग्लास बने, थ्री पीस ऑफ कॉटन क्लोथ, वाटर, सैंडी क्ले एंड लूमी सॉइल, ऐसे लूमी यानी ऑल एल्यूवियल सॉइल लिए, तो उसमें हमें क्या करना है, जो इसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है, टेक सिंपल सैंपल्स ऑफ सैंडी क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल, थ्री सॉइल्स के हमें सैंपल लेने हैं, फिर टेक थ्री ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज, थ्री बॉटल्स थी इक्वल साइज की, लेबल वन बॉटल विद सैंड, उसको लेबल भी देना है, सैंड फिर क्ले और फिर एल्यूवियल, बराबर, एंड थर्ड विद एल्यूवियल, कीप थ्री फनेल्स ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल, वो जो होता है ना जो हम उसमें से कुछ भरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फनेल, जो लिक्विड भरने के लिए हमें यूज करते हैं ऐसा, जो इस तरह का होता है ना, इसे भरने के लिए हम यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फनेल, तो वो हमने उसके उसके माउथ पे रख दिया है। अकॉर्डिंग द लेबल्स ऑफ द बॉटल्स पुट इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉइल इन द फनेल, अब उसके अंदर थोड़ी थोड़ी उनकी वो रख दिए, एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनेल, और उसमें सब में सरखाई उसमें पानी डाला हुआ है, तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ सॉइल ऑब्जर्वेशन, रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, तो सैंडी सॉइल में कैसे होता है, फास्ट फास्ट होता है ना, पानी उसमें जाएगा, तो वो कैसे जाएगा सैंडी सॉइल में, इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ पे सैंडी सॉइल रखिए, पानी डालेंगे तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते, एकदम छोटे छोटे होते, तो वो कैसे जाता है, उसका फास्ट होता है। फिर क्ले सॉइल में कैसा होगा, स्लो होगा, और फिर एल्यूवियल सॉइल में कैसा होगा, मीडियम होगा। फिर यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर इन बॉटल, तो सैंडी सॉइल में क्या देखेंगे हमें, लेवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ज्यादा दिखेगी सैंडी सॉइल में है ना, सैंडी सॉइल में लेवल उसकी देखो यहाँ पे ज्यादा दिख रही है ना, पानी की बॉटल ये लेवल ये ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे क्या दिखेगी, लिखेंगे मोर। फिर क्ले सॉइल में लेस, और इसमें क्या दिखेगी, एल्यूवियल में क्ले में मीडियम है, और इसमें क्या है, एल्यूवियल में लेस है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनेल, तो यहाँ पे बिल्कुल लेस, यहाँ पे उसके ऊपर पानी तो रहेगा ही, फिर इसमें क्या होगा, एकदम पानी उसमें यानी इसमें मीडियम दिखेगा और इसमें एल्यूवियल में एकदम लेस दिखेगा, तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा करके हम घर पे भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास सैंडी सॉइल या फिर एकदम चिकनी मिट्टी और फिर एक मिक्स वाली, तो इस तरह से, तो द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्गर पीरियड इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो पानी में क्षमता होती है पकड़ के रखने की उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू ड्रेन आउट अ वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो उसकी पानी निकालने की क्षमता, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी, वाटर पकड़ के यानी पानी पकड़ के होल्डर यानी पकड़ के रखने की क्षमता और निकालने की क्षमता उसमें अलग अलग होती है। थिंक एंड से व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल, क्योंकि उसके सैंडी सॉइल्स के पार्ट कैसे होते हैं, एकदम सेपरेटली उसके पार्ट्स ऑफ सैंडी सॉइल्स आर सेपरेट, इसलिए वो क्या होता है, बिकॉज
वो वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल. वॉटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर सेपरेट. व्हाई डज वॉटर ड्रेन स्लो इन क्ले सॉइल, तो उसके कैसे होते हैं एकदम, उसके पार्टिकल्स कैसे होते एकदम नजदीक होते. और व्हाई इज मोर वॉटर स्टोर्ड इन एल्यूवियल सॉइल, तो उसके भी पार्टिकल्स कैसे नजदीक होते हैं. तो उसमें ये हमें यहाँ पे हमने देखा कि उसकी कैपेसिटी कैसी रहती है पानी की, तो सैंडी सॉइल की पानी पकड़ने की क्षमता एकदम कम होती है और क्ले सॉइल की एकदम ज्यादा. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा चैप्टर ये क्या होता है कंप्लीट हो जाता है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको वर्कबुक में उसको आपको लिखना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.